Assalamualaikum. So let's start with the maths discussion. The complex conjugate क्या तरीफ है कि एओटा के साथ जो भी आपका हो नंबर उसका साइन चेंज कर दें, रियल के साथ नहीं करना. तो यहाँ पे है बी एओटा, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा, वो प्लस ही रहेगा. कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 4 आयोटा, आप देखें आयोटा के साथ वाला चेंज करना है वो है ही अकेला, तो माइनस 4 आयोटा. जो आयोटा के बगैर है वो नहीं करना, तो ये 2 को हम नहीं करेंगे, 2 ही रहेगा. सो द डेफिनेशन सिर्फ फॉलो करनी है. द वैल्यू ऑफ आई स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1. आयोटा 5 की वैल्यू क्या है? तो आयोटा 5 की वैल्यू क्या है? आयोटा 4 इंटू आयोटा. तो हम आयोटा 5 जो है वो उसको क्या लिख सकते हैं? हमने पेयर बनाना है, इजीएस्ट पेयर. तो इजीएस्ट पेयर 4 का है, क्योंकि आयोटा 4 की वैल्यू 1 है. तो इसको लिखे ना लिखे एक ही बात है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे 4 का पेयर बनाएं अगर बनता हुआ तो ये चीज़ होगी 1. तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा ये आंसर आ जाएगा आयोटा. सो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व. लेट अस गो बैक. तो इसका आंसर होगा आयोटा. अब हम आते हैं आयोटा 50 पे. अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पेयर, और वो बेस्ट पेयर है 4 वाला, लेकिन कोई और भी बने तो वो मसला नहीं है. तो आयोटा 50 अगर 4 वाला देखें तो बनता है 48 अलहदा, 4 12s are 48 और आयोटा स्केयर अलहदा. अब आयोटा 48 है, बट जो 4 का पेयर बन जाए उसको वैसे इग्नोर कर दें, क्योंकि उसका आंसर 1 आना, और 1 से मल्टीप्लाई करके कोई मसला नहीं होगा. तो इसका आंसर देख लें, आयोटा स्केयर क्या होता है? -1. इसको और भी कई तरीके से किया जा सकता है, द मेन थिंग इज के आपका आंसर ठीक आना चाहिए. तो ये आ गया -1. अब है एओटा 100. तो एओटा 100 के लिए आप क्या करेंगे? तो देखें तो 4 का एग्जैक्ट पेयर बन रहा है, 4 25 आर एओटा 100, और एओटा 4 1 है, तो 1 की पावर 25 1 हो जाएगी. या सिंपल के एओटा 4 का पेयर बन गया, अब जो कुछ भी है वो 1 है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अब आते हैं ये द वैल्यू ऑफ माइनस एओटा की. तो इसका आंसर हम पहले लगा लेते हैं. तो इसका आंसर आ गया 1 एओटा 100. अब हम आ रहे हैं द वैल्यू ऑफ माइनस एओटा की पावर 3. तो इसको आप किस तरह करेंगे? जस्ट लेट अस क्लीन फर्स्ट. द वैल्यू ऑफ माइनस एओटा टू पावर 3 के लिए हम क्या करेंगे? -1 को अलहदा कर देंगे विद पावर, और एओटा को अलहदा कर देंगे विद द सेम पावर. यानी दोनों का हिस्सा हमने अलहदा अलहदा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको उसका हिस्सा दे दिया, उसको उसका हिस्सा दे दिया. अब एओटा 3 हमें पता है क्या होता है, -एओटा, और -1 की पावर 3 जो है किसी भी माइनस नंबर की पावर अगर ओड हो, 3 है, तो वो -1 रहती है. अगर इवन हो तो +1 आ जाती है. तो ये माइनस माइनस प्लस एओटा बन जाएगा. तो इसका आंसर आपके पास प्लस एओटा. इसी तरह माइनस ये इवन वाला आ गया क्वेश्चन. अब आपके पास यहाँ पे 20 है, -1 की पावर 20 आयोटा की पावर 20. -1 की पावर 20 इवन है, तो लिहाजा -1 की जगह हो जाएगा +1, और आयोटा की पावर 20 जो है वो अगर हम देखें तो ये पेयर किसका बनता है? 4 का. मैंने कहा था अगर पेयर बनता हो तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है,
ये फोर का पेयर बन रहा है एओटा फोर इंटू फाइव, तो एओटा फोर का पेयर बना ये वन हो गया प्लस वन प्लस वन, तो प्लस वन आंसर आ गया। सो वी हैव प्लस वन। आगे सम है सिंपल, रियल में रियल कर दें, टू प्लस थ्री फाइव, फोर में से थ्री माइनस किया तो फाइव प्लस एओटा, ये सब्ट्रैक्शन का है तो रियल माइनस टू और इधर से माइनस थ्री, सो माइनस फाइव, फोर एओटा माइनस थ्री एओटा प्लस एओटा, तो रियल रियल ज्यादा कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स ज्यादा। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज एडेड टू अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ए प्लस बी एओटा का ए माइनस बी एओटा, तो जब आप उसमें ऐड करेंगे यानी ए प्लस बी एओटा आपको दिया गया और उसमें वो कह रहा है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐड कर दें, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी एओटा, तो माइनस बी एओटा प्लस बी एओटा से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद टू ए, तो टू ए आंसर आया। अब इधर क्या कहा गया है, इधर ये कहा गया है कि वो नंबर क्या होगा, तो टू ए रियल नंबर है तो रियल आ जाएगा। अब वो कह रहा है इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यही क्वेश्चन में हम इसे अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा, तो अब ए कट गया और हमारे पास क्या बचा है, टू बी आयोटा, तो जो रकम बची है वो प्योर आयोटा वाली है, उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। अब मल्टीप्लाई का है कि अगर ए प्लस बी आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, ए प्लस बी आयोटा को ए माइनस बी आयोटा से, अगेन वहीं पे देख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी आयोटा को हम ए माइनस बी आयोटा से करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी आयोटा माइनस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वेयर आई स्क्वेयर। अब आई स्क्वेयर माइनस वन होता है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का ऑप्शन है जी है। और अगला क्वेश्चन भी यही है कि वो नंबर क्या आएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर में कहीं भी आपको ये ओटा नजर आ रहा है नहीं, तो लिहाजा ये क्या है, रियल नंबर। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, टू प्लस थ्री ए ओटा इंटू फोर प्लस थ्री ए ओटा, सो हमारे पास है टू प्लस थ्री ए ओटा फोर माइनस थ्री ए ओटा, सो टू प्लस थ्री ए ओटा फोर माइनस थ्री ओटा, तो टू फोर दर एट देन टू थ्री दर सिक्स प्लस थ्री फोर दर ट्वेल्व एंड माइनस थ्री थ्री दर नाइन आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो इसको मैं खत्म करूंगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। रियल को रियल में ऐड कर लें, ये रियल है और मेरे पास ये रियल है, तो एट प्लस नाइन सेवनटीन हो जाएगा, और जो कम्प्लेक्स है वो कर लें, ट्वेल्व में से छः माइनस किए तो सिक्स आयोटा, तो ये आपके पास आंसर है। इसको देखते हैं क्या वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, तो पहला आंसर ही जो आपके पास वो सेवनटीन प्लस सिक्स आयोटा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, फोर आए पहले थ्री से, ट्वेल्व आए, ट्वेल्व आए ये है लेकिन प्लस ट्वेल्व आए यही है, सो लिहाजा यही होना चाहिए। बाकी सेकंड वेरीफाई कर लें, फोर फोर दर सिक्सटीन, सिक्सटीन आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। ओके सो ये है डिवीजन वाले, तो डिवीजन वाले भी हमने क्वेश्चन किए थे, तो इसको भी मैं वहां पे शो कर देता हूँ। सो हमारे पास है वन ओवर फोर माइनस थ्री आयोटा, फोर माइनस थ्री आयोटा, तो रूल क्या था कि उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें, तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया और ये जो पहले से मौजूद है और इनको सॉल्व कर लें, यानी वन वैसे ही रहेगा, तो फोर प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, फोर फोर दर सिक्सटीन, और जैसे हमने किया था कि एओटा एओटा स्केयर माइनस वन है तो ये हो जाएगा प्लस वन, तो सिक्सटीन प्लस नाइन, तो फोर प्लस थ्री एओटा डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव, तो क्या ये आंसर है जी, अगर आप देखें तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बनता है। इसी तरह इसको आप करेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऊपर वन प्लस टू एओटा और नीचे आप करेंगे
तो 1 1 1 स्क्वायर, 2 2 जार 4, 1 प्लस 4 5, तो 1 प्लस 2 ए उल्टा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इफ टू नंबर आर एडिड एंड आंसर इज 0, वी से इट टू बी एडिटिव इनवर्स। अगर दो नंबर को ऐड करें जैसे 5 और माइनस 5 है तो आंसर 0 आता है, तो हम कहेंगे कि 5 और माइनस 5 एडिटिव इनवर्स है। ये एक अलग एमसीक्यूज है जो मैथ का आपको करवा दिया मैंने। इफ टू नंबर आर मल्टीप्लाइड एंड आंसर इज 1, देन दे आर नोन एज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एक और एमसीक्यूज मिसाल के तौर पर 5 को 1/5 से करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। सो हम कहेंगे 5 और 1 और 5 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, 5 और माइनस 5 एडिटिव इनवर्स है। अब बताएं एओटा और माइनस एओटा का क्या रिलेशन है, एडिटिव है या मल्टीप्लीकेटिव है? तो अगर मैं चेक करूं तो एओटा में जब मैं माइनस एओटा करता हूं तो 0 आता है, सो लिहाजा एडिटिव इनवर्स तो है। तो बाज़ औक़ात यही होता है, बच्चा इसका आंसर एडिटिव इनवर्स लगा के आगे निकल जाता है और वो गलत हो जाता है। अब एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई तो करें तो क्या होगा, एओटा इंटू माइनस एओटा एओटा स्क्वेयर, और एओटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 है, तो बाहर वाला माइनस और ये वाला माइनस होके प्लस। तो ये तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की भी तारीफ बन रही है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पूरी रियाजी में सिर्फ ये एक चीज़ ऐसी है जो कि एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव दोनों है, अदरवाइज 5 और 1 और 5 मल्टीप्लीकेटिव है, 5 और माइनस 5 एडिटिव है, एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन ये एक यूनिक है, सो इसका आंसर बोथ ए एंड बी बनेगा। एंड दैट्स इट फॉर द डिस्कशन। होपफुली आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे।